स्कूटी सवार युवती के अचानक स्कूटी पर नियंत्रण खो देने से युवती गहरी खाई में गिरी, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। ओल्ड मसूरी रोड पर रामतीर्थ आश्रम के निकट स्कूटी सवार एक युवती गहरी खाई में जा गिरी। स्थानीय लोगों की मदद से युवती को खाई से निकाला गया और 108 की मदद से जिला चिकित्सालय देहरादून भेजा गया, जहां पर उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। सहस्त्रधारा निवासी रिया प्रजापति निवासी कोठल गेट से राजपुरा की ओर जा रही थी, तभी स्कूटी अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। स्थानीय निवासी सुल्तान सिंह ने बताया कि यहाँ पर हर माह वाहन दुर्घटनाग्रस्त होते रहते हैं और लोक निर्माण विभाग को कई बार इस संबंध में पत्र भी दिया गया है, लेकिन सड़क की मरम्मत नहीं की गई, यहाँ फिर से हादसा हो गया। दुर्घटना, ये तो कम से कम 4-5 साल हो गए इसको ना, पुश्ते गिरे हुए को, और हर महीने एक आध गाड़ी इसमें गिरती रहती है। और आज सुबह सुबह एक हादसा हो गया, सुबह मेरे ख्याल 5 बजे या 6 बजे एक लड़की इधर से नीचे गिर गई और उसकी डेथ हो गई। विभाग से तो 3 साल पहले एक विधायक जी से लेटर लिखवा के दे रखा है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रुपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।